चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद से रो पड़े इसरो चीफ पीएम मोदी ने गले लगाकर बढ़ाया हौसला। चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया है। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शनिवार सुबह इसरो मुख्यालय पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी और इसरो की चीफ दोनों की आंखें नम हो गई। हालांकि पीएम मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी भी बेहद भावुक दिखे। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, आज इतनी घटी कीमत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 3 दिन से बदलाव का सिलसिला जारी है। शनिवार को दिल्ली और चेन्नई में पेट्रोल का दाम 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट की वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में कमी आना है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए टाल दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले आदेश तक जेएनयू छात्र संघ के चुनाव जारी न किए जाए। शैला रशीद बोले, मेरे खिलाफ राजद्रोह का केस तुच्छ और राजनीति से प्रेरित। कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता शैला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। अब शैला रशीद की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। शैला रशीद ने अपने खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को तुच्छ राजनीति से प्रेरित और उन्हें चुप कराने का दयनीय प्रयास करार दिया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।